तो प्रतला की चुनाव यात्रा हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हम भनकपुर और नंगला गांव के बीच की सड़क पर हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। हमने देखा इनको पैदल जाते हुए और उसके बाद मैंने सोचा गाड़ी रोक के इनसे बात करती हूँ कि आखिर पैदल ये कहाँ जा रही हैं। मैंने देखा आपको जब मैं उस तरफ भनकपुर की तरफ गई तो मैंने देखा आप पैदल चल रहे थे। अब मैं वापस आई तब भी मैंने देखा आप पैदल ही चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नंगला। नंगला जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए? भनकपुर से। हाँ। तो पैदल ही जाते हैं कोई अपनी सवारी हो चले जाने ना है तो फिर पैदल जाने में सुविधा ना कोई सुविधा नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट किसी भी तरीके का कुछ भी ना कोई सुविधा नहीं है। ये रोड कब से टूटी है? पूरे के पूरे गांव की हम रोड देख रहे हैं ऐसी ही हालात है। हाँ जी कई दिन है ये टूटे थे। कई साल हो गए। रोड बनी नहीं है? नहीं बना, ऐसा ही पड़ा है। अभी कुछ तो बनाने की कोशिश हालांकि कर रहे हैं। आधी बन गई है? आधी बन चुकी है, आधी रह रही है अभी। बाकी ऐसे पैदल पैदल ही जाओ और पैदल पैदल ही आओ। तो कितने किलोमीटर सैर कर लेते हैं रोज? ये तो जी कुछ ना पता। किसी काम से जब किसी दूसरे गांव में जाते हैं पैदल ही जाना पड़ता है। हाँ, कोई और साधन नहीं, कोई रिक्शा, कोई ऑटो, कोई बस, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होती तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी बताओ, हार जाए चलते चलते, कई जगह बैठना उठना पड़ता है तो दिक्कत ज्यादा है, दिक्कत होती है। अभी चुनाव सर पे है विधानसभा के, आपके क्या कुछ मुद्दे हैं? प्रथला के क्या कुछ मुद्दे हैं? आपके गांव में क्या क्या परेशानियां हैं? हमारे गांव में देखो जी सबसे बड़ी परेशानी तो पानी की है। अच्छा। हाँ। पीने के पानी की या पानी के निकासी का? पानी नहीं है। पीने का पानी नहीं है तो कैसे करता है? पानी मोल लेना पड़ता है। अच्छा। मोल लेते हैं पीने के लिए, बाकी वैसा वो खारा पानी यूज करते हैं जो टंकियों में आता है, वो भी डेली नाव के तो कई कई दिन हो जाते हैं आए हुए, आता ही नहीं है। सबसे बड़ी पानी की समस्या है, सबसे बड़ी। और ये सड़क बन जाए तो और भी अच्छा है, सड़क पे कुछ मिल जाए, रिक्शा कुछ सवारी मिल जाए तो वो उससे भी अच्छा है। हाँ, चुनाव आ रहे हैं, नैनपाल रावत वोट मांगने फिर से आएंगे? देनी नहीं है वोट बिल्कुल भी। उसे तो देनी ना, उसने तो कुछ किया ही ना, तलक देखने भी ना आया कि क्या हो रहा है। अच्छा, वो तो बीजेपी की सरकार में समर्थन दिए हुए हैं। चलो कुछ भी दिया है, मगर उसे एक बात बताओ, वोट लेने के लिए आ रहे हो मगर गांव में जाके ये भी तो देखना पड़ता है, हमने वोट लिए हैं तो हमें वहां देखे भी तो क्या सुविधा है क्या नहीं है। मतलब जीतने के बाद कभी नहीं आया? कभी नहीं आया, एक बार भी नहीं, ये ना देखा भी गांव में देखे तो सही क्या हो रहा है। वहाँ रोता हुआ आया यहाँ नंगला गांव में, वोट भी लेके गया है, जीता भी है, सबने ही दिए हैं। तो अब फिर से आगे रोएंगे? फिर अब हम देनी ना, चाहे वो रोते रहे, रेत रोते ही रहे, वो जब कुछ काम करेंगे तभी तो कोई बात बनेगी। बताओ जब कुछ काम ही ना आए तो बताओ वोट किस बात की है? हमें तो भैया देनी ना है उन्हें वोट बिल्कुल भी। तो नैनपाल रावत को साफ तौर पे बॉयकॉट कर दिया आप लोगों ने? बिल्कुल एकदम, बिल्कुल कट कर दिया। क्या लग रहा है किसको वोट दे पाएंगे, किससे उम्मीदें हैं, कौन सी पार्टी से, कौन से नेता से? देखो जी नेता तो अभी तक हमें तो कुछ अच्छा दिखाई दिया ना है कोई भी, लेकिन पोस्टर तो पूरे हर जगह हर दीवार पे लगे, तो लोग चलते फिरते छाप ही जाए, ऐसे हम भी छाप ना कोई। ऐसा तो कुछ ना है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए कोई ऐसा, लेकिन नेता बस पोस्टर लगाने में ही। हाँ, बस यही है, पोस्टर लगा जाओ। और हाँ जी, हाँ पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, सारा कुछ हो जाएगा, मगर आते हैं ना है कोई भी। झूठे वादे हैं, झूठे वादे हैं, लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं है। ये महिलाएं आप देखिए, जब हम भनकपुर की तरफ जा रहे थे तो मैंने देखा था पैदल ये महिलाएं तब से चल रही थी, अभी वापस की तरफ हम बढ़ रहे थे तब भी मैंने देखा ये पैदल हैं, तो मैंने सोचा रुक के इनसे बात की जाए। और आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश है, सड़कें टूटी हुई हैं, ऐसे हालात में ये महिलाएं पैदल आने को मजबूर हैं। कोई कम्यूट करने के लिए इनके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई साधन नहीं है, खुद के घर से कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई एक्टिवा हो तो निकल जाएंगी, वरना यहाँ पे कोई ऑटो, कोई रिक्शा, कोई बस, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। तो एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने के लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ पैदल जाना पड़ेगा, और कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। और नैनपाल रावत ये महिलाएं कह रही हैं चाहे अब की बार रो जाएं, चाहे कुछ भी कर जाएं, लेकिन उनको वोट हम नहीं देने वाले क्योंकि काम बिल्कुल भी नहीं किया है। आगे चलते हैं, चुनाव यात्रा के अलग अलग रंग आपको दिखाते हैं। हरियाणा न्यूज पे बने रहिए हमारे साथ। तो हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा प्याला गाँव में फिलहाल है और कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। आप प्याला गाँव से हैं, चुनावी मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं विधानसभा चुनावों को लेकर? अब की बार कांग्रेस का रोल है क्योंकि और किसी ने ना तो आपके नैनपाल ने कुछ किया यहाँ पिछले हल्का के लिए। तो नैनपाल तो लगातार कह रहे हैं मैंने काम करवाए, सरकार को शुरू से समर्थन दे रखा और बढ़िया काम कराने की कोशिश है, बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं इस बार।
नहीं, अगर बीजेपी की टिकट मांगते तो कांग्रेस की तरफ क्यों समर्थन करते? और जब बीजेपी ने कहा कि चलो आप हमारी तरफ आ जाओ, तो फिर एक साथ ही क्यों डाक के उसमें आ गए बीजेपी में? जब कांग्रेस की तरफ जा रहे थे तो कांग्रेस की तरफ वो करना था। तो आप ये कह रहे लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की मदद की और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, लोकसभा में उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट की थी, लेकिन जहाँ तक भी उम्मीद थी तो इन्होंने टिकट तो देगी नहीं बीजेपी, जहाँ तक भी उम्मीद लग रही है हमें। तो जहाँ तक लगता है कि या तो ये कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ेंगे या फिर निर्दलीय करेंगे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार प्रतला विधानसभा? विधानसभा से कांग्रेस का है। कांग्रेस, आपको क्या लगता है? ये पलवल से। ठीक है, तो प्रतला विधानसभा से कह रहा है कि कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है और ज्यादा चांसेस हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के चुनाव जीतने के। प्याला गांव में हमें और यहाँ पे आप देखिए मेरी दाईं तरफ किस तरीके से इस जगह पे इस लैंड में हर तरफ आपको पानी दिखाई दे रहा है और समस्याएं यहाँ पर भी हैं। हालांकि गाँव के हम बात करें, गाँव के अंदरूनी इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, आप देखिए नालियों की साफ़ सफाई नहीं है, रख रखाव नहीं है। जोहड़ों की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी बेटर स्थिति में हमें यहाँ के जोहड़ लगे और उन चीज़ों को लेके परिस्थितियाँ थोड़ी सी यहाँ पे बेटर लगी हैं। हालांकि चुनौतियाँ अभी भी हैं और प्रतला विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है। नैनपाल रावत भले ही बीजेपी के टिकट की आस देख रहे हों, लेकिन बावजूद इसके टिकटार्थी लगातार अलग अलग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं और प्रतला विधानसभा क्षेत्र में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये मुकाबला कितना ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जब विकास कार्य उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। लोगों से भी हमने अलग अलग गाँव में जाकर बात की और उनका क्या ओपिनियन था वो भी आपके सामने रखा। कुछ लोग तो ये तक कहते नजर आए कि प्रतला में इस बार नैनपाल रावत भले ही चाहे रोते रोते आ जाएं, जैसे पिछली बार भी रोते हुए आए थे यहाँ पर, लेकिन हम उनको वोट नहीं देने वाले क्योंकि काम उन्होंने कोई नहीं किया है। हर चीज़ को लेके अफसरशाही पर आरोप लगा देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं।